अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ फादर एंड सन एडवेंचर्स। अभी भी हम कराची में हैं, ये रश कश आवाज से, और खास तौर पे पीछे जहां हम खड़े हैं बैकग्राउंड से आपको पता लग गया होगा, वी आर नॉट इन क्वेटा, हम कराची में हैं। असल में मैं जो हूँ ना, मैं तो यहाँ पर इधर ही था, डैडी जी का वर्क था, उनको ऑफिस जाना था, वो क्वेटा चले गए। उसके बाद गाड़ी थी, गाड़ी के कुछ छोटे मोटे काम थे जो मैंने करवाने थे, ऊपर से फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैंने सोचा उसका व्लॉग बनाऊंगा, लेकिन तबीयत ख़राब थी, सुस्ती थी, और फिर डैडी नहीं थे, मेन रीज़न। मैंने कहा इनके बगैर व्लॉग बनाने का मज़ा ना आता है ना आएगा। ये जैसे ही आए हमने बोला भाई व्लॉग तो बनता है, बाकी एडिटिंग भी रहती है जो बाकी बनाया है, काफ़ी पीछे हम इंशाल्लाह वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपलोड करेंगे। फिलहाल अगर आज की और अभी की बात की जाए, मैं और डैडी जी एक स्पेशल स्पॉट पर आए हैं, मतलब एक यूनिक, हम यूनिक टेस्ट, यूनिक चीज़ें ढूंढते हैं। ये है क्या डैडी, आप बताओ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आए हैं बादराबाद। बादराबाद में है डोसा पॉइंट। डोसा पॉइंट, अच्छा ये तो इंडियन स्ट्रीट फूड है, अभी हमने कभी खाया नहीं है, आज फर्स्ट टाइम हम टेस्ट करने जा रहे हैं इसको, तो आज देखते हैं कैसा है, क्योंकि एक नई चीज़ थी, बाकी सब चीज़ें तो हमने चखी हुई हैं बाकी जगहों पर हम गए, लेकिन ये थोड़ा चेंज था, हम सोचा ये यहाँ चलते हैं, तो चल के देखते हैं आज, तो एक इसका आइटम मंगाते हैं, देखते हैं वो कैसा है, ठीक है ना, चलें चलते हैं राजा जी। लेकिन राजा चीजू, ओके जी, एक मसाला और एक कीमा हम लोग ने ऑर्डर किया है। फिलहाल मसाला आ गया है, कीमा हमारा जो ऑर्डर है वो 6 डोसों के बाद है, क्योंकि हमने तकरीबन 10 मिनट बाद कीमे का बोला उनको, क्योंकि वो अलग था। तो फिलहाल जो है ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते, इसको ट्राई करते हैं। ये बड़ी ओहो नरम सी डो है, अंदर आलू की टॉपिंग है, ये वो तरकारी की तरह, ये ट्राई करते हैं। रेडी माने रखिए, अच्छा इतना बुरा नहीं, लेकिन शायद मेरा टेस्ट खराब है, मुझे जुकाम है, मुझे कोई टेस्ट फील नहीं हो रहा। आलू का टेस्ट आ रहा है, लेकिन जो इसकी ब्रेड है ना उसका कोई टेस्ट मुझे नहीं आ रहा, मुझे कैसे टेस्टलेस सी लग रही है, ऐसा लग रहा है मैं सिर्फ एक ऊपर से बस कोई ब्रेड है टेस्टलेस, उसके अंदर की जो मसाला है, जो आलू की तरकारी है, उसका टेस्ट आ रहा है, ब्रेड तो बिल्कुल सादी सी है, बिल्कुल सिंपल सा है। अगर आपको सिंपल चीज़ें पसंद है तो आप ज़रूर ट्राई करो। अभी इस चटनी के अंदर डिप करते हैं। सादा, अगर आपको सादी चीज़ें पसंद है तो आप ये ट्राई करें, लेकिन इस टेस्ट के लिहाज से और जिस तरह ये सादा है और सिंपल सा है, उसके हिसाब से ये तकरीबन
मसाला डोसा 500 रुपीज़ का है, तो ये काफ़ी ओवर प्राइस्ड है मेरे हिसाब से। और पहली बार मैं बोलूँगा कि मतलब इतना ख़ास भी नहीं है, बिल्कुल सादा सा है। डैडी आप ट्राई करो फिर आप अपना ओपिनियन दो। बिल्कुल सादा है, आलू की तरकारी है और इसका तो कोई टेस्ट भी नहीं आ रहा। अच्छा, ये इसकी जो रोटी टाइप है इसका कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा। अच्छा खा कर देखा मैंने, कराची वालों को जैसे जायका चाहिए होता है थोड़ा मसाले वाला चटपटा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ सिंपल आलू मैश करके डाले हुए हैं, थोड़ा सा हल्का सा मसाला डाला हुआ है ऊपर का, तो ज़ाहिर बात है वो जो ऊपर का जो चावल की जो लेयर होती है वो तो सादा ही है, कुछ सादा टेस्टलेस। और अंदर जो है वो आलू है वो भी सादा है। इससे बेहतर ये होता कि अगर हम समोसा खा लें समुंदर के, उसका मसाला ज़्यादा बेहतर होता है। नहीं, बहुत ओवर प्राइस्ड भी है, 500 रुपीस। और 500 रुपए तो मेरा ख्याल है बहुत महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगा। इसका ज़्यादातर अगर मैं ये बोलूँ कि इसका अगर 250 का 200 के ऊपर नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में। नहीं, अभी कीमा वाला मंगवाया है, क्या पता उसका टेस्ट चेंज हो। अंदर कीमा ही होगा शायद, कीमा बेहतर हो उसके लिए, देखते हैं। अभी एक मैंने कीमे वाला भी मंगाया, वो भी खा के देखते हैं उसका। ना चटनी इतनी खास थी ना ये इतना खास था, मैंने अभी तक कोई भी ऐसा बुरा रिव्यू नहीं दिया है। ये फर्स्ट इसका रिव्यू है जो आया नहीं, लेकिन इस बार सीरियसली बिल्कुल सादा है और बहुत ओवर प्राइस है, बहुत सादा है। इसकी जो रोटी है उसका कोई टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस रोटी। कुछ भी जैसे ये समझो ना, अगर इसके अंदर समोसा है या समोसे के ज़्यादा बेहतर होता है, उसका जायका होता है भाई, जायका होता है उसमें। उसमें जो है वो गरम मसाला और बहुत कुछ होता है, बड़ा मज़ा आता है। पुदीना वही वो आगे खा दी कीमा। चले भाई, ये कीमा आ गया, कीमा आ गया, कीमा खा कर, कीमा इसके अंदर है। ओहो गरम गरम, ये गरम गरम खा कर देखो जरा। इधर से खाता हूँ, कौन सी चटनी, ये कीमा ट्राई करता हूँ। कीमा वाला 600, लेकिन स्टिल ओवर प्राइस। कीमे का टेस्ट आ रहा है, मतलब क्रिस्पी क्रिस्पी आपके मुंह में आ रहा है, लेकिन आपको आइडिया नहीं होता क्या है, क्योंकि ये इतना सादा है। इसके ऊपर की जो डो है, ये ब्रेड जो है बिल्कुल सादी है, कीमे का टेस्ट आ रहा है आपको। दिखाओ अंदर कीमत करके दिखाओ, कीमा है कितना है। हाँ कीमा अच्छा खासा है, इसके अंदर बहुत सादा है। सादा है फिर भी तुम इतना खा रहे हो, ये स्पाइसी होता फिर तुम क्या करते। कीमा है ना, वो नहीं खाया बाप। सच्ची निहारी है, रोश है, बहुत सारा है। ब्रेड का कोई टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस है। शायद मैं मुझे ज़ुकाम है इस वजह से, लेकिन डैडी को भी खिला के देखा, उनका भी यही रिव्यू है। बाकी कीमा थोड़ा गुजारा कर रहा है, क्योंकि कीमे का कोई टेस्ट होता है, कीमा खुद स्पाइसी होता है और कीमा तो कीमा होता है भाई। तो कीमे वाला फिर भी बेहतर है उससे, वो तो बिल्कुल सादा है। वो दिखाओ, ये देखिए छोड़ दिए, ये देखिए छोड़ दिए, बस है ना, मैं तो नहीं खाऊंगा। अच्छा ये जो कीमे वाला है ना, आपका दिमाग किधर है, मैं तो बोल रहा हूँ दिखाओ दिखाओ दिखाओ, बंद कर दो यार बस। खाया तो है कीमे वाले में ना, कीमे की वो है गोश्त की जो एक अपनी वो होती है ना, वो होती है क्या, वो होती है आप नो नो व्हाट आउट। हां मामा, ओके गाइस, यहाँ तक था डोसे का हमारा एक्सपीरियंस। ओवर प्राइस और बाकी सिंपल बिल्कुल सादा सा टेस्ट था। और डैडी आपको कैसा लगा? फर्स्ट टाइम खाया, फर्स्ट टाइम से ठीक है, शायद हमारा टेस्ट डेवलपमेंट था, हमें पता नहीं था कैसा डोसा इंडिया वाला खाते हैं, फिल्मों मूवीज में देखते थे, खुद तो बहुत टाइम लगता है, तो शायद उनके टेस्ट ज़्यादा बेहतर हो। पाकिस्तान में नया नया शुरू हुआ, शायद कुछ चेंजेस होंगी, बेहतर हो जाएगा।
बाकी ठीक है, सही है, डोसा है, पाकिस्तान में आ गया, कराची में हो गया। बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है, ऐसे आने का फायदा है कि मेरे हिसाब से इसका प्राइस जो है वो 200 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 200-250 कुछ भी नहीं इसका, 500-600 बहुत है। बाकी बस आज का हमारा ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, कल हमने इंशाल्लाह कोयटा निकलना है इंशाल्लाह, तो ये हम इंशाल्लाह कोयटा में ही रिकॉर्ड करके हम ये कोयटा में तो गाड़ी का वो देंगे ना, गाड़ी हमने ले ली है आज से, ये मेरे बच्चे बीमार था, मैं भी बीमार था, इसलिए हम वो नहीं कर सके, बना नहीं सके, कोयटा जाके इंशाल्लाह आपको गाड़ी दिखाएंगे। आप तो उधर थे, आपके बगैर तो ब्लॉग मज़ा नहीं आता ना, तो अभी इजाज़त चाहते हैं आपसे, खुदा खुदा।